Hi friends, welcome back to my channel. I hope all of you are fine, happy and safe at home. So, आज मैं आप सबके साथ एक नई एयर फ्रायर रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ. जैसे कि आप जानते हैं, भिंडी बच्चों को बहुत पसंद आती है, हमें भी पसंद आती है. और भिंडी हमारे इंडियन क्विजीन का एक इंटीग्रल पार्ट है. अगर आप साउथ इंडियन क्विजीन देखिए, नॉर्थ इंडियन क्विजीन देखिए, सब में आप देखिएगा भिंडी की बहुत सारी डिशेस है. तो आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ कुरकुरी भिंडी, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है. बट एक ही प्रॉब्लम है, वो डीप फ्राइड होती है. तो इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग इट, आई एम गोइंग टू फ्राई इट इन द एयर फ्रायर. सो ये जो एयर फ्रायर में बनी हुई कुरकुरी भिंडी है, इसको आप सर्व कर सकते हैं सॉस के साथ, चटनी के साथ, एज अ स्नैक. एंड इसको आप दाल चावल के साथ लंच में भी सर्व कर सकते हैं. तो चलिए मेरे साथ किचन में बनाने के लिए कुरकुरी भिंडी इन एन एयर फ्रायर. फ्रेंड्स, कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम भिंडी, राइस फ्लावर, बेसन, कुकिंग ऑयल, हाफ अ लेमन. और मसालों में हमें चाहिए टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, अमचूर, गरम मसाला एंड जीरा पाउडर. सो फ्रेंड्स, कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए हम पहले ये जो भिंडी है, इसको अच्छे से धो लेंगे और अच्छे से कपड़े से सुखा लेंगे. उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ. सो कुरकुरी भिंडी के लिए पहले मैं कटिंग कर लूँगी भिंडी की. तो पहले इसका जो हेड है वो हम निकाल लेंगे और फिर इसके पीछे वाला जो पार्ट है वो निकाल लेंगे. एंड देन मिडल से जो मिडल पोर्शन है, इसे स्लेट कर लेंगे इनटू टू हाफ्स. ये देखिए, दो हाफ्स हो गए. और अब इसे बीच में से फिर से मैं स्लेट कर दूंगी, क्योंकि हमें ना पतले पतले स्लाइसेस चाहिए. तो हम इसे ऐसे एक भिंडी को पतले पतले चार पीसेस में कर लेंगे, ठीक है. एंड देन इसके बाद जो इसके अंदर के जो बीज हैं वो हम निकाल लेंगे. तो बीज ऐसे एक बार आप चाकू से ऐसे करके निकाल सकते हैं. बीज निकालने से टेस्ट और अच्छा आएगा और लिसलिसापन नहीं आएगा भिंडी का. ऐसे ही मैं, तो अब मैं आपको एक और ट्रिक सिखाती हूँ. अब देखिए, जब आप भिंडी काटने जाते हैं तो बहुत लिसलिसापन आता है. तो एक लेमन लीजिए और उसको, उसका जूस थोड़ा सा इस चाकू पे डाल दीजिए. इससे क्या है कि वो लिसलिसापन भिंडी का नहीं आएगा. तो चलिए देखिए, भिंडी अब कट गई है. सारा टाइम इसे भिंडी को काटने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें से सीड्स निकालने में. उसके बाद तो झटपट बन जाती है ये कुरकुरी भिंडी इन एयर फ्रायर. सबसे पहले इस बाउल में हम मैरिनेशन, भिंडी को मैरिनेट करने का मिक्सचर बना लेते हैं. तो सबसे पहले बाउल में हम डाल लेते हैं 3 से 4 टेबल स्पून बेसन, क्योंकि यही इसको बाइंड करेगा भिंडी को. अब इस बाउल में हम एक टेबल स्पून राइस फ्लावर डाल देंगे. से भिंडी काफ़ी कुरकुरी बनती है. सो विल टेक अराउंड 1 टेबल स्पून ऑफ राइस फ्लावर इन दिस बाउल. अब बारी आ गई है मसालों की, तो इसमें मसाले ऐड कर देते हैं. तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर. इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है. तो ये मैंने डाला 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर. अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर. ये मसाले जो हैं वो आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हैं. अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप मिर्ची ज़्यादा डाल सकते हैं. सो हियर आई हैव टेकन कश्मीरी लाल मिर्च. नाउ विल पुट 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर और कोरिएंडर पाउडर इन द सेम मिक्सचर. In the same mixture, we'll put 1 teaspoon of jeera powder. Now we'll put 1/2 teaspoon of garam masala. Now I'm going to add 1/2 teaspoon of amchur powder. भिंडी और अमचूर का combination बहुत ही अच्छा रहता है और taste बहुत अच्छा हो जाता है. कुछ लोग चाट मसाला भी डालते हैं, but आप decide कर सकते हैं कि आप अमचूर powder या चाट मसाला क्या डालना चाहते हैं.
सो नाउ आई पुट ऑल द मसालास एक्सेप्ट सॉल्ट. मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है, सॉल्ट हम एयर फ्राई में डालने से पहले ही डालेंगे. नाउ लेट्स मिक्स ऑल द मसालास टुगेदर. नाउ वी गोइंग टू मिक्स ऑल द मसाला इन द बेसन एंड राइस फ्लावर मिक्सचर. Now I have taken a big bowl to mix the masalas with the bhindi. तो अब इसमें पहले हम थोड़ी भिंडी डाल देते हैं बाउल में, और भिंडी को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बेसन और मसालों के साथ मिक्स करना होगा. अब इसमें मैं 3 से 4 स्पून मसाला डाल दूंगी और इसे पहले मिक्स करूंगी. आधी भिंडी ली है, फिर आधी भिंडी और ले लूंगी मैं और मिक्स करूंगी. अब ये सारी भिंडी को मसाले के साथ, ड्राई मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे. ये आधी आधी करके करने से ना मसाले बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं इसके साथ. अब इसमें मैं और बाकी की भिंडी डाल दूंगी इसके ऊपर, और फिर उसमें भी बेसन और मसाले डाल दूंगी. अब बाकी की भिंडी मैंने इसमें डाल दी है, और अब इसमें जो बाकी का मसाला है वो मैं डाल दूंगी. तो चलिए इसके ऊपर से डाल देते हैं बाकी का मसाला, बेसन और मसाला, और इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना होगा. अब आप देखिए ये सारी भिंडी को मैंने मसाले से और अच्छे से कोट कर दिया है बेसन और मसाले से. अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल. मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं या नॉर्मल कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है. तो मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल. तो अब इस भिंडी में हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल. इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है और मसाला अच्छे से चिपक भी जाता है. और फिर अगेन हम इसको मिक्स करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स द ऑयल विद द भिंडी. जो मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है उसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी भिंडी के साथ, जिससे कि सारी भिंडी में वो लग जाए, कोट हो जाए. अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 नींबू का जूस. ये लेमन डालने से बड़ा एक टैंगी सा फ्लेवर आता है, थोड़ा खट्टास हो जाती है. वैसे अमचूर तो हमने डाला ही है, बट लेमन डालने से वो एक और टेस्ट आ जाता है बहुत ही अच्छा सा. अब देखिए लेमन जूस मिक्स करने के बाद, अब देखिए ये स्टिक करेगा, बेसन और मसाले इससे स्टिक करेंगे. अब इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे. अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, जैसे ही मैं एयर फ्राई में डालने लगूंगी तभी मैं इसमें नमक डालूंगी. सो फ्रेंड्स, पहले मैं ये एयर फ्रायर का कंटेनर निकाल लूंगी और इसमें थोड़ा ऑयल ब्रश कर लूंगी. सबसे पहले इसको ऑयल से ब्रश कर लेती हूँ. हल्का सा ऑयल लगा देने से फिर चिपकती नहीं है भिंडी इस पर. तो एक ब्रश से ऑयल आप पूरी जगह लगा दीजिए इवनली. एयर फ्राई में डालने से पहले मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दूंगी और मिक्स कर लूंगी. क्योंकि नमक पानी छोड़ता है इसलिए हम नमक लास्ट में डालेंगे. अब सॉल्ट को भिंडी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे. बहुत अच्छे से कोट हो गई है भिंडी, तो हमारी भिंडी रेडी है एयर फ्रायर में जाने के लिए. लेट्स ट्रांसफर दिस भिंडी इनटू द एयर फ्रायर. जब आप कुरकुरी भिंडी के लिए भिंडी खरीदेंगे तो ये देखिएगा कि थोड़ी फ्रेश वाली भिंडी हो, और बहुत मोटी जिसमें ज़्यादा बीज होते हैं वो वाली भिंडी ना हो. सो फ्रेंड्स, ये मैंने आधी भिंडी डाल दी है और अब इसको मैं अंदर डाल देती हूँ. और टेम्परेचर 180
एंड टाइमर 10 मिनट्स के लिए सेट कर देते हैं। अब मैंने टाइमर सेट कर दिया 10 मिनट्स पे, पर 10 मिनट्स से पहले ही 5 मिनट जब होंगे तो मैं इसे एक बार चेक कर लूँगी। और चलिए अब मैं अपना दूसरा काम करती हूँ। सो फ्रेंड्स, बन रही है हमारी कुरकुरी भिंडी। और एयर फ्रायर का एक और फ़ायदा ये है कि जैसे आप लगा के छोड़ दीजिए और अपना दूसरा काम करते रहिए और वो भिंडी बन के आ जाएगी, एंड प्लस इट विल बी हेल्दियर बिकॉज मैंने उसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब आधा टाइम हो गया, अभी निकाल के देखते हैं, थोड़ा हिला लेते हैं इस भिंडी को। काफ़ी कुरकुरी लग रही है और इसे फिर अंदर घुसा देते हैं। चलिए, बन गई है हमारी कुरकुरी भिंडी, खोल के देखते हैं कैसी बनी है। वाओ, क्रिस्पी एंड वेरी क्रिस्पी। इसको हम प्लेट में निकालते हैं, यू कैन सी द टेक्सचर। तोड़ के भी देखिए, काफ़ी हार्ड है। तो चलिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं भिंडी को यहाँ से। तो हमारी कुरकुरी भिंडी रेडी है। तो ये है हमारी कुरकुरी भिंडी, और मैंने कुछ ग्रीन चटनी बना के रखी थी, उसके साथ टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है ये भिंडी। तो चलिए, ये ले ली मैंने भिंडी विदाउट चटनी, वेरी क्रिस्पी। अभी से चटनी के साथ खा के देखते हैं। तो ये है ग्रीन मिंट चटनी के साथ कुरकुरी भिंडी। चटनी के साथ बहुत टेस्टी लग रही है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस रेसिपी। मैं आपको कुछ दिनों के बाद फिर मिलूंगी एक नई एयर फ्रायर रेसिपी के साथ। जब तक हम मिलते हैं, कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप सेफ एट होम, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।